नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे आज के मुख्य समाचार आ रहा है कि हम शुक्रवार को गोष्ठी करते हैं और जिन महापुरुषों का भारतीय जीवन पर या विश्व के जीवन पर प्रभाव पड़ता है उनकी चर्चा हम करते हैं, उनकी विचारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मालवीय और महात्मा गांधी दो विषय में दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक थे। जहाँ तक राजनीति में शुचिता का प्रश्न है, पवित्रता का प्रश्न है, ऊर्जमुखी व्यवहार का प्रश्न है, मालवीय जी को हम दो तीन वस्तुओं में विद्वानों ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय नहीं की होती तो विश्व के शीर्ष स्तर के भी राजनीतिज्ञ होते, और अगर राजनीति में कोई उनकी भूमिका नहीं रही होती तो विश्व में शीर्ष स्तर के वे शिक्षा शास्त्री होते, शिक्षा के क्षेत्र में। दो स्थितियों में अगर हम देखें जो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसका उद्देश्य क्या था, आवश्यकता उसकी क्या था। जब उन्होंने छोड़ा था, वकालत का पेशा छोड़ा था, तो उस समय उनकी बड़ी रोइंग प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, उनकी कुशलता की दाद सबूत ये मानते थे मालवीय के कुशल वकालत के बारे में, चाहे वो जजेस हों चाहे बड़े वकील हों, वो इस चीज़ को स्पष्ट होते हैं। और इस केस के बारे में जिसकी मैंने चर्चा किया था चौरी चौरा कांड के बारे में, महात्मा गांधी ने ये निर्णय लिया था कि चूंकि हिंसा हो गई, थाने में घुसकर सिपाहियों की हत्या भी की गई हिंदुस्तानियों के द्वारा, इसलिए 1920 का असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस कर लिया था। और ये भी कह दिया था कि कांग्रेस से संबंधित कोई व्यक्ति जिनको दंडित किया गया है, 171 लोगों को फांसी सजा दी गई थी भारतीयों को, उनकी पैरवी नहीं करेगा। लेकिन मालवीय जी ने देश प्रेम तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, विनम्र थे लेकिन देश प्रेम कूट कूट था भरा। मालवीय ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 171 लोगों के मामले में सरणी की और उनको जो मिला था दंड फांसी का, मृत्युदंड मिला था, उसमें 151 लोग मृत्युदंड से बरी हुए और ये इन्हीं के कौशल का परिणाम था। और उस समय जो अंग्रेज जज इसकी सुनवाई कर रहा था वो तीन बार अपनी कुर्सी से उठकर उन्होंने मालवीय के कौशल की, इस क्षेत्र में विद्वता की प्रशंसा की थी। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि काशी विश्वविद्यालय ने दो चीज़ों का समन्वय आप पाएंगे, एक तो उसके स्थापत्य में भी पाएंगे या वास्तु में भी पाएंगे कि जितने निर्माण हुए हैं वे मंदिर जैसे हैं, उसमें दो राय नहीं है कि वे सनातनी हिंदू थे, सनातनी अपने सनातन धर्म को राष्ट्रीयता को मानते थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, वे संस्कृत में और हिंदी में कविताएं भी किया करते थे, शोक भी उनकी लिखा करते थे। तो एक चीज ये देखने की बात है कि जो विश्वनाथ का शिव का मंदिर है उस विश्वविद्यालय में बहुत ही सुंदर बैठ के उनके विचारों के अनुसार, उनकी रचना के अनुसार है, और कुतुब मीनार से भी ऊँचा है, उसके सामने दरवाजे पर उसके स्तंभों पर खुद मालवीय जी का लिखा हुआ शब्द। तो जितने विषय उनका उद्देश्य ही था काशी हिंदू विश्वविद्यालय को कि अपने शास्त्रों में, अपने वाङ्मय में, अपने वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में, दो महाकाव्यों में, संहिताओं में जो जो मानव कल्याणकारी ज्ञान है, विज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे खगोल विज्ञान हो, सभी वो विषय उन्होंने रखा। और पूरे विश्व में जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, जो पश्चिमी जगत भी उस समय आगे बढ़ रहा था, उन विषयों को भी रखा। इतने विषय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए उन्होंने रखा, एक रखा जिसमें कि कोई एक आध ही विषय कदाचित छूट गए होंगे, और अन्य किसी विश्वविद्यालय में उतने विषय नहीं है जितना कि पढ़ाई उनकी होती है
अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है, ये उनके मालवीय जी का ही प्रयास था। तो दोनों का समन्वय, अपने परिवेश का समन्वय, अपने शास्त्रों का समन्वय और पश्चिम के विज्ञान के शोध, उन सबका समुच्चय करना मानव कल्याण के लिए। मालवीय जी चर्चा की इस क्षेत्र में सफलता मालवीय को पूरी मिली, और यहाँ तक प्रश्न इसका है, उनके व्यक्तित्व का प्रश्न है। सभी मानते थे कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो सकता है, लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल का मानता था कि हो सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में हम जो बात कहते हैं वो मालवीय की हम न मानते, हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना मधुर था, बोलने की कला उनमें इतनी थी, बाहर का व्यक्तित्व उनका वेश शनि सजे धारण किए कि उसका प्रभाव पड़ता था और अंग्रेज भी उनकी बातों को अस्वीकार नहीं कर पाते। आपके हमारे श्रद्धानंद जी सरस्वती को उन्होंने दिया था कि नहीं आप एक और विश्वविद्यालय की स्थापना आयुर्वेद के क्षेत्र, उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी, मालवीय की जो रिपोर्ट है जो उनका गांधी जी की सफलता शायद मिल जाती अगर उनकी हत्या न हुई। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर आप उभरने से पहले नहीं पूरा समाप्त ही नहीं हो पाया, अभी उसमें ऊर्जा बाकी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इतना बताया जा चुका है। उसमें मैं दो ही शब्दों अपनी बात को पूरी करूँगा। भारत के इतिहास में अगर दो व्यक्तियों की तुलना आज की जाए और उनके जीवन का एक प्रभाव समाज में देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय भारत के वो सूर्य थे और गांधी उस सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा थे, चंद्रमा थे। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों ऐसे तत्व हैं जो जब तक ये पृथ्वी रहेगी तो आज वही स्थिति है, ज्ञान और शांति। समाज में जो शासकीय व्यवस्था से शांति कटती जा रही थी तो उसमें शांति लाने का जो प्रयास महात्मा गांधी ने जो प्रारंभ किया और जहाँ तक आज़ादी हमें वकीलों के हाथों में ही नेतृत्व था और सभी वर्गों के मिस्टर जिन्ना खुद जो थे एक बॉम्बे के प्रखर वकील थे, इस प्रकार वो रहा और यहाँ पर जो है नरेंद्र और गरम धाराओं का मेल हो गया और ये अंत तक चलता रहा। बाद में अंग्रेजों की कूटनीति के कारण जो बाधा उत्पन्न की गई उसके बाद विभाजन हो गया और उसका कटु फल आज तक अंग्रेजों को भी भुगतना पड़ रहा है और युवक को भी।